ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜੁੱਤੀ। अस्सलाम वालेकुम, देखते कानों और सुनती आंखों को सलाम हमारी तरफ से, दूर से बॉर्डर से बैठे। आज के व्लॉग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको कल के व्लॉग के बारे में बता दूं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो टोटली मोबाइल फ़ोन से, आईफोन एक्स मैक्स, एक्स एस मैक्स से, इतना लंबा नाम पता नहीं आईफोन वालों ने क्यों रख दिया है, उससे बनाई थी। आईफोन का कैमरा मैंने टेस्ट किया, बड़ा अच्छा है, सिर्फ सिवाय एक चीज़ के, दो चीज़ों के। एक, ये अभी ठीक है ना, सब कुछ अच्छा सा नज़र आ रहा है, जहाँ लाइट कम ज़्यादा होगी आईएसओ तो बढ़ेगा, तो वहाँ पे कलर ग्रेड भी, कलर भी इसके चेंज होने जाते हैं। दूसरी बात, जब अगर कहीं मैं रोड पे खड़ा हो के दूसरा माइक लगा के बात करता हूँ तो ठीक है, अगर इसके इंटरनल माइक से बात करता हूँ तो वो इर्द गिर्द की नॉइज़ बहुत आती है। वो रात को मैं एडिटिंग करते वक्त देख रहा था। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा तो हम लोग एसी लेने गए थे, एसी पसंद करके आ गए थे, गाड़ी दूसरी चाहिए थी। उसके अलावा हमें एक दावत आई है कुछ दिनों तक की, मतलब कुछ दिन बाद तक की, उस पर जाना है मुझे और शहजाद को। तो हमने कुछ शलवार कमीज़ लेनी है, मतलब दावत पे जा रहे हैं तो पेंट शर्ट अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमें शलवार कमीज़ लेनी है, ऐसी लेके आना है। उसके अलावा कल सैंडल नहीं थी मिली, कोशिश करेंगे अगर वो मिल जाए। अच्छा जी, कल हमने डिसाइड किया था घड़ी का ऐसी, और अभी जब लेने गए हैं तो हमने लिया डोलेंस का, उन्होंने डोलेंस जो भी होता है उन्होंने बताया बड़ा अच्छा ऐसी है, बिजली नहीं तो नहीं खाता। अच्छा, आज वाकई थोड़ी सी गर्मी है, और गर्मी भी वो हब्बस वाली गर्मी हमारे गाँव में कहते हैं, अब बस कुट कुट के गर्मी पै रही है। होना है असी रियाल तरवान सोदिया तो बाबा दो तीन बोरियाँ लै गए हैं, हाँ वो सोचे इतने दे आइए, हूँ जी पाकिस्तान की इकोनमी ने सपोर्ट करिए, फॉरन करंसी दे के। अज कहना मच्छी खानी है, मच्छी खाना का मौसम है। अच्छा, मैं इतनी देर मलेशिया में रहा हूँ, मलेशिया में इतनी ये फिश वगैरह चलती है, वो तो चावलों के साथ भी खा जाते हैं। इंडोनेशिया में सी फूड बड़ा चलता है, मुझसे खाया गया ही नहीं। एक दफ़ा बचपन में मेरे गले में अटक गया था उसका कांटा, उसके बाद मैंने नहीं खाई। स्वाद आ गई मलका, स्वाद ए मजे, यस ठीक हो गया जी, लग गया। और मसला पता है क्या आ रहा था, ये हमने इधर लगाना था उधर लगा नहीं तो इधर लग गया, मजे। हाँ भाई, की हाल चाल है, आज दूसरा दिन है। कल हम आए थे तो हमने सोचा था हम अपने सारे काम कर जाएंगे, कुर्ता कमीज़ लेंगे, और जाना था कुछ दिन तक एक दावत पे, बताया था ना, तो वो हुआ ये जब हमने एसी ले लिया, जिस बंदे ने एसी लगाना था उसने खप डाल दी, भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिज़ी हूँ। वकार था, पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, एक वकार लड़का था जो कहता था कि फेसबुकर दे सारे पैसे ने, वो था साथ में, तो वो कह रहा था मेरे पास टाइम नहीं है, अगर जाना है तो अभी चलो, अपने सारे काम छोड़ो। हमने ऐसा किया कि हम उसके साथ चले गए, निकले तो हमारे सारे काम रुक गए, वहीं एसी जाके लगवाया रात के 12-1 बजे तक। आज दूसरा दिन है, मैं भूल गया था यार, हमने तो व्लॉग में ना तो खाना खाया ना तो वो कपड़े लिए, तो आज हम आए हैं सिर्फ उन्हीं काम के लिए। ये मेरे पीछे है सियालकोट मॉल, उस दिन हम इधर सैंडल ढूंढने आए थे, कुछ मिला नहीं था हमें, तो हमने देखा यार मॉल के अंदर अभी काफ़ी फ्लोर्स ऐसे हैं जो खाली हैं, पर खैर आज हम कुछ लेने नहीं, खाना खाने आए हैं। वो बार बार मैजियो फ्रेंगोज और अल्लाह मलक पे जा जाके ना सेम ही वीडियोस अगर बनानी है तो क्या फ़ायदा। एक लड़का है हमारे साथ, उसने बताया हमें यहाँ पे खाने का कुछ ठीक है सीन्स, तो वो चेक करने हैं खाने के, बस इसके बाद फिर जो काम है कपड़े लेने वाला वगैरह वो बाद में करते हैं, पहले खाना खा लें, खाना ज़रूरी। सर जी, क्या स्पेशल है आपके पास? आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर इस टाइम आपके पास है जी? हमारा खूबसूरत तरीन सियालकोट, और ये हमारा एक लोता सियालकोट मॉल है, और बली साहब हैं। बली साहब, मज़ा आया जी? बली साहब
ये खूबसूरत व्यू के सामने बैठकर खूबसूरत आंखों वाले लड़के के साथ खाना वाना, ओहो हमें बली साहब ले गए हैं जी। ये बली साहब हैं, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, कोई सियासी बंदा आप इनके सामने नाम ले लें ये उनको जानते होंगे लाजम। अच्छा जी, ये पिज़्ज़ा हमने मंगवाया वुड फायर से, ये अरबिक शवार में, ये भी उधर से आया है, और ये किट कैट, किट कैट है, किट कैट तो चॉकलेट होती है तो उसी का शेक है जी, काफ़ी मज़ेदार है। बली साहब को काफ़ी भूख लगी है, वो कह रहे हैं पहले मुझे खाने दो फिर बाद में वीडियो बनाना। नाम क्या है आपका? शर्जील। ये शर्जील भाई हैं। शर्जील भाई ऑनेस्टली ये जो खाना है ना बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा मज़ा आया जी भाई। खाना खा के हम आ गए हैं, हमने सोचा था खाना खाने के बाद हम जाएंगे कुर्ता कमीज़ लेने, वो आज फिर प्लान कैंसिल हो गया। बल्ली साहब को हम ले आए हैं और बल्ली को जल्दी है तो हमें जाना पड़ रहा है। बाकी खाना बहुत मज़ेदार था, पहली बार मैंने सियालकोट में इतना मज़ेदार खाना खाया। वो किटकैट जो जूस था ना बल्ली ने मज़े से पीने नहीं दिया पर बड़ा मज़ा आया उसका। खैर अभी हम वापस जा रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली व्लॉग्स बनाऊँ, बन नहीं रहे क्योंकि मेरा इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है गाँव में, इसलिए बड़ा खैर कोशिश कर रहा हूँ मैं डेली वीडियोज़ बनाने की। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।